गर्व से कहो इंडिया वालों, अब से हुए चंदा मामा हमारे। दोस्तों चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू किया और 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लेकिन उसके बाद चंद्रयान 3 ने अपना पहला संदेश भारत को भेजा। चंद्रयान 3 का पहला संदेश आपको बताएंगे, क्योंकि भारत के इस मून मिशन ने 23 अगस्त को 21वीं सदी का शानदार इतिहास रचते हुए चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थी, लेकिन इसरो ने इसे यादगार पल का नाम देते हुए बुधवार को 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पंख दी और चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चंद्रयान 3 का संदेश आपको बताऊं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई देते हुए क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए, और इसके बाद चंद्रयान 3 का पहला संदेश आपको जरूर सुनाएंगे, तो कीप वॉचिंग। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा भी इसरो चीफ एस सोमनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व इसरो चीफ सभी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी जताई और भारतवासियों को बधाई दी। अब चंद्रयान 3 के उस संदेश की बात करते हैं जो सीधा चांद से भारत की धरा पर आया है। दरअसल चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने संदेश में कहा कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं, एंड यू टू। दोस्तों चंद्रयान 3 के संदेश ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत के वैज्ञानिकों, भारत ना तो किसी से पीछे था, ना पीछे है और ना ही पीछे रहेगा। गाइज कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत एंड वेल डन इसरो ना लिखना भूलना।